इज आरटीआई एक्ट, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन. ऐसा है कि जो गवर्नमेंट ने की है उसकी क्रेडिट तो है ही ना, उसमें कोई दो राय नहीं है. और कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो उन्होंने की है, और ये रियली अच्छी एक्ट है, अच्छा एक्ट है. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसमें कॉमन मैन जो टोटली एम्पावर हो गया है, वो कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन कोई भी डिपार्टमेंट से मांग सकता है, उसको राइटिंग में रिप्लाई आता है, आइदर डिटेल्स आता है या तो हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं, एटलीस्ट ये तो लिख के आता है. नहीं तो पहले तो कोई कुछ था ही नहीं, आप जाके कोई पूछो तो खड़े रहो एक एक दो दो तीन तीन घंटा. लेकिन आरटी एक्ट आने के बाद, आरटी एक्ट पे अगर आंसर नहीं है तो आरटी एक्ट के आप अपील में जा सकते हो, अपील में आप मंत्रालय में जा सकते हो. ये सब प्रोविजन किया गया है, एंड दैट इज वाई आरटी इज इंपॉर्टेंट इवन वेन द सोसाइटी इज गोइंग फॉर डेवलपमेंट. उसका रीजन बताता हूँ मैं. सबसे बड़ी डिस्प्यूट आने वाली है जब आप रिडेवलपमेंट जाओगे या सेल्फ डेवलपमेंट जाओगे, इज आपकी एरिया. मेरे को कितना एरिया में मैं बैठा हूँ और मुझे कितना एरिया मिलना चाहिए. अभी आपका आप देखो कितनी एकदम आश्चर्यजनक बात है. देर आर फोर टाइप्स ऑफ कार्पेट एरिया, फोर टाइप्स, एंड ऑल द फोर आर राइट, ऑल द फोर आर राइट. तो इसके लिए हम लोग आरटीआई यूज कर दे. पहला कार्पेट एरिया जो मैंने ऑक्यूपाई किया है वो कार्पेट एरिया, यानी मैं जो एरिया लेके बैठा हूं कार्पेट एरिया. दूसरा कार्पेट एरिया जो एग्रीमेंट के बैक में लिखा है, आपके एग्रीमेंट होगा उसमें पीछे शेड्यूल लिखा होता है, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा ना, बिकॉज वो तो अपने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया गया. ये सेकंड कार्पेट एरिया. थर्ड कार्पेट एरिया आपको बताओ, थर्ड कार्पेट एरिया बिल्डिंग प्रपोजल प्लान. आप आरटीआई डालो, आरटीआई डालने के बाद आपको बिल्डिंग प्रपोजल प्लान आएगा. वो प्लान में लिखा गया होगा कि विच इज द राइट एरिया ऑफ योर्स, अब कौन सा राइट एरिया है. एंड द फोर्थ इज रेरा कार्पेट एरिया, यानी मोफा एंड रेरा, ऐसा दो है, पर रेरा कार्पेट एरिया में इसी बोले कि रेरा भी एप्लीकेबल है. और बिलीव मी, आपको ये चारों चार अलग मिलने वाले हैं, चारों चार अलग मिलने वाले, ये चारों चार मैच होने ही नहीं वाले, बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट अलग है, उसके रिकॉर्ड्स अलग है, और इस पर डिस्प्यूट खड़ा होता है. अभी डेवलपर आएगा बोलेगा मैं देखो भाई आपका एरिया कितना है, बोलेगा मेरे 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट है. चलो सर्वेयर को लो, मेजर करो. अच्छा मेजरमेंट वाला पांचवा वो भी बताता हूँ मैं, चार तो है ही, पांचवा मेजरमेंट वाला, वो मेजर करेगा और उसको 600 के बदले 595 मिलेगा, या 600 के बदले 610 मिलेगा. तो जब मैं एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने वाला हूँ तो मैंने लेना कौन सा है, कौन सा कार्पेट एरिया बेस बनने वाला है जिसके ऊपर फंजिबल एफएसआई मिलेगा. अभी मैं तो क्या बोलूंगा, ये पांचों में से जो सबसे ज्यादा है वो मेरा, मेरे को सबसे ज्यादा एरिया चाहिए. उसका रीजन ऐसा है कि रिडेवलपमेंट हैपन्स वंस इन लाइफ टाइम, 30-40 साल में एक ही बार रिडेवलपमेंट होने वाला है, और रिडेवलपमेंट होता है तो हम सबसे ज्यादा जितना लूटो लूट लो, एक ही बार में लूट लो जो लूटना हो, आगे किसने देखा है. तो मैक्सिमम हम लोग मोबिलाइज कर देते फ्रॉम अ डेवलपर. मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्डिंग प्रपोजल प्लान जो है इसको हम लोग बेस लेते हैं, और जो आपको आरटीए के थ्रू मिलता है, आरटीए के थ्रू सर्टिफाइड कॉपी, उसके ऊपर जो भी मिलता है वो बेनिफिट है आपके लिए. अभी बिल्डर लोग क्या करते हैं, सबको खुश रखने क्या बोलते हैं, अच्छा अमित भाई आपका प्लान में 600 लिखा है पर आप 610 ऑक्यूपाई कर रहे हो, मैं आपको 610 के ऊपर दे दूंगा, यानी मैं खुश, 10 स्क्वायर फीट के ऊपर 35% मिलने वाला है एक्स्ट्रा, यानी 600 के ऊपर तो मिलेगा, अभी 610 पे मिलने वाला है. तो बोला अरे कितना अच्छा बिल्डर है, 35% 610 पे दे रहे, बिकॉज मैं 10 एक्स्ट्रा जो है जो प्लान में नहीं है वो उसे मिल रहा है, पर एग्रीमेंट मेरा एक्चुअली 620 भी लिखा होगा शायद, एग्रीमेंट में अलग ही फिगर लिखे है. तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैक्सिमम वाला है, दो मेरा बेस होगा बिल्डिंग प्रपोजल प्लान, ये जो मैक्सिमम वाला है वो मैक्सिमम वाला हम लोग कंसिडर करते हैं, और इसलिए हम लोग बिल्डर को इंसिस्ट करते हैं कि यू ट्राई टू गिव अस अमंग दिस 5 विच इज मैक्सिमम, उसके बेस पे आप काम कर लीजिए. प्लीज अंडरस्टैंड द रेरा कार्पेट एरिया इज अप्रोक्सीमेटली 2-4% मोर देन द मोफा कार्पेट एरिया, ये ध्यान में रखिए आप, बिकॉज जो वॉल के थिकनेस है वो मोफा में काउंट होते, इसमें निकाल देते तो अपना एरिया बढ़ जाता है. मैं वॉल का थिकनेस होता है किचन का है, बेडरूम का है, हॉल का है, लिविंग रूम का है, ड्राई एरिया का है, वो वॉल का थिकनेस निकाल के जो एक्स्ट्रा बचता है वो ऐड हो के 2-4% होता है, एंड विच इज क्वाइट क्वाइट गुड सम विच गोज इन टू सेवरल लैक्स.
तो मेरा ऐसा मानना है कि जब रिडेवलपमेंट में जाओगे तो ट्राई टू टेक आउट सम कॉपीज ऑफ द प्लान्स थ्रू द आरटीआई, यू कम टू नो, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वेयर डू वी स्टैंड. डोंट फाइट अ वॉर विदाउट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, यू विल लूज द केस. आप खुद के पास हथियार रखिए, नॉलेज का हथियार रखिए, इंफॉर्मेशन रखिए और उसके बाद ही लड़िए. एंड आरटीआई इज दैट सच एक्ट विच विल प्रोवाइड यू ऑथेंटिकेटेड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स.